मार्वल ये आज बस एक फ्रेंचाइजी नहीं, पूरा का पूरा ब्रांड बन चुका है, जिसकी शोहरत की कोई सीमा नहीं। किड से लेकर एडल्ट तक हर कोई इनका दीवाना है। दर्शकों का सैलाब उमड़ आता है जब भी कोई फिल्म मार्वल रिलीज करता या अनाउंस करता है। पर क्या होता अगर मार्वल ने अचानक से मौत का तांडव मचा दिया होता और आपके पसंदीदा कैरेक्टर्स अचानक से आपकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो गए होते। नमस्कार, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार का एंटरटेनमेंट चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में कॉमिक कॉन महोत्सव में मार्वल ने फेज 5 और फेज 6 का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसको सुनके नेटिजंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ साथ एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है, जिसको सुनकर अच्छे खासे मार्वल फैंस तो छोड़िए, आम जनता भी सदमे में आ जाएगी। जी हाँ, हाल फिलहाल में हुए एक पॉडकास्ट के दौरान रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने फेज 3 की ब्लॉकबस्टर फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का डायरेक्शन किया था, यह खुलासा किया है कि केविन फाइजी, जो मार्वल के ओनर और प्रेसिडेंट दोनों हैं, उनकी इच्छा थी कि एवेंजर्स एंड गेम में सारे 6 मेन एवेंजर्स को थैनोस सहित मार दिया जाए, ताकि नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो सके और कहानी नए सिरे से शुरू हो सके। पर मेकर्स ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा भावुक हो जाएगी और कोई अपना मेंटल स्टेट ना खो बैठे। इस बात को मानते हुए मेकर्स ने 6 की जगह 2 मेन कैरेक्टर्स को मारना ठीक समझा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जॉन फेवरी, जो आयरन मैन फिल्म में हैप्पी का किरदार निभाते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रिक्वेस्ट की कि वो एक बार दोबारा इस पर विचार करें और टोनी स्टार के किरदार को खत्म ना करें, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए एक लोकप्रिय रोल है जो ऑडियंस के लिए एक दर्दनाक सदमा होगा। आखिर में मेकर्स ने जो किया उससे आज हम और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपका ये बात जानकर क्या रहा रिएक्शन, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें और अन्य फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।